एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपना नायका हॉल। मैंने नायका से कुछ चीजें परचेज की है, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। नायका पे अभी लास्ट मंथ मींस जून में एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा था, उसपे बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स थे। जो चीजें मेरे पास नहीं थी वो मैंने परचेज की है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो न्यू है बिल्कुल, जो अभी लॉन्च हुई है तो मैंने वो मंगवाया है। और कुछ एक दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने रिक्वेस्ट के लिए की थी मुझे किसी ने, तो मैंने उसके लिए ट्राई करने के लिए मंगाया है कि वो किस तरह के हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। तो चलिए शेयर कर लेते हैं मैंने क्या क्या चीजें परचेज की है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा नायका का बॉक्स और ये सब चीजें मैंने परचेज की है। तो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें परचेज की है। मैंने सब कुछ अनबॉक्स कर लिया है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाती है और प्राइसिंग जितनी भी होगी वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। और सारी चीजें मैंने नायका से ही परचेज की है क्योंकि मोस्टली मैं नायका से ही परचेजिंग करती हूँ। तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये एवरयूथ का 10 रिमूवल स्क्रब, यू कैन सी, और ये काफ़ी अच्छा है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे थे कि इससे 10 अच्छे से रिमूव हो जाता है और समर्स में टैनिंग होना बहुत ही आम बात है, सभी को हो ही जाती है। धूप में आप थोड़ा सा भी निकलिए, वैसे भी ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट सुने हैं, इसीलिए मैंने इसको परचेज किया है। अब मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ किस तरह का है, फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। फेस एंड बॉडी दोनों के लिए आप इसको फेस के साथ साथ अपनी बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, आई मीन हैंड्स पे जो एरिया आपका एक्सपोज रहता है तो आप उस पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये, और सेकंड प्रोडक्ट है मेरा ये बायोटिक का बायो कुकुम्बर टोनर। ये तो बहुत ही फेमस है और ये मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, ये मेरा खत्म हो गया था तो मैंने इसको मंगाया है और ये बहुत अच्छा है, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छा है। यार ये जो पोर्स हो जाते हैं ओपन पोर्स उनको तो बहुत ही अच्छे से फिल कर देता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। एंड थर्ड प्रोडक्ट है मेरा ये लोटस का ecostay प्राइमर। ये मैंने प्राइमर मंगवाया है, इससे पहले मेरे पास ब्लू हेवन का प्राइमर था बट ब्लू हेवन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मुझे इतने पर्सनली ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इसका ट्राई करके देखते हैं क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट भी ना इतना अच्छा नहीं लगता था, मेकअप इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाता है, वो मेरा खत्म होने वाला है, इसीलिए मैंने ये लोटस का मंगवाया है। आप देख सकते हैं ये भी सिलिकॉन बेस्ड है और सबसे अच्छी बात है स्किन को मैटिफाई कर देता है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होने देता है, मेरी स्किन वैसे भी ऑयली है इसीलिए मैंने इसे परचेज किया है। प्राइसिंग सबकी आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, डेफिनेटली मैं देती हूँ। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये ब्लॉसम कोचर का, ये एंटी एक्ने केलामाइन पैक है। ये मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी तो मुझसे किसी ने बोला था कि मैं एरोमा मैजिक की एंटी एक्ने क्रीम का रिव्यू करूं, बट डियर मैंने वो बहुत ज़्यादा सर्च की लेकिन मुझे कोई एंटी एक्ने क्रीम एरोमा मैजिक में नहीं दिखी, लेकिन मुझे ये पैक दिखा है तो मैंने ये ग्रैब कर लिया। तो मैं इसका रिव्यू करके देखूंगी, आपको बताऊंगी कि ये किस तरह का है, मैं पहले इसको ट्राई कर लेती हूँ तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि राइट नाउ मुझे भी एक दो पिंपल्स आए हुए हैं क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है फिर आपके साथ शेयर करूंगी। और नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये वीट का हेयर रिमूवल क्रीम, ये तो सभी जानते हैं ये नॉर्मल स्किन के लिए है, इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, आप जो चाहे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, सेंसिटिव स्किन है आपकी तो भी ले सकते हैं, ड्राई स्किन है तो भी ले सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादातर मैं नॉर्मल स्किन के लिए जो आती है वही परचेज करती हूँ क्योंकि वो ठीक रहती है, तो इसीलिए मैं वही परचेज करती हूँ। और नेक्स्ट मैंने ली है ये निविया की सॉफ्ट क्रीम, आप देख सकते हैं निविया में भी काफ़ी सारे वेरियंट्स आए हैं, इसमें ग्रीन आता है वो मिंट, उसमें मिंट फ्रेग्रेंस है, आई मीन शायद वो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता होगा, और एक इसमें पिंक आई है वो भी काफ़ी अच्छा है, सुना तो है क्योंकि रिव्यूज बहुत अच्छे अच्छे देखे हैं, लेकिन मैंने ये वाली मंगाई है और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल लाइट है, आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, आप इसको मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, आई मीन मॉइस्चराइजेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फाउंडेशन से पहले या फिर किसी भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम आप लगाते हैं उससे पहले आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत ही अच्छी है। तो मैंने ये छोटा वाला पैक अभी ट्राई करने के लिए मंगाया था तो कि देखते हैं कैसा है, तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, अच्छा है। और स्मेल बस इसकी मुझे थोड़ी सी ब्ला लगती है क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी किस तरह की बताऊं मैं आपको, इसमें थोड़ी सी ना जैसे ब्लीच में स्मेल आती है इसमें कुछ कुछ वैसी ही स्मेल आती है, तो इसकी स्मेल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ वर्क अच्छे से करती है तो चलता है। और नेक्स्ट मैंने मंगाई है ये वीट की फुल बॉडी वैक्सीन किट है, ये आप देख सकते हैं, तो ये मैंने मंगाई है क्योंकि गर्मियाँ वैसे ही हो रही है यार, वैक्स तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये मंगवाई है, और ये भी मैंने नॉर्मल स्किन के लिए मंगवाई है। इसमें आपको 20 वैक्स स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, प्लस आपको इसमें 4 वाइप्स भी मिल जाते हैं कि आप वैक्सिंग करने के बाद आप उससे वाइप कर सकते हैं तो सही रहता है, तो ये भी मैंने पहले ट्राई की हुई है तो मैंने ये मंगवाया है, तो ये ट्राई करके देखते हैं कैसा है। और नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये पैराशूट का एलोवेरा हेयर ऑयल,
इसके भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, तो काफ़ी अच्छा बताया था कि बालों के लिए बहुत अच्छा। और ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया है, ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है, उसके बालों के लिए मंगवाया है। किस तरह का है, क्योंकि अभी तक मैं उसको आंवला ऑयल लगा रही थी, लेकिन डाबर का जो आता है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ये वाला चेंज करके देखती हूँ किस तरह का है। तो मैंने छोटी वाली पैकेजिंग मंगाई है और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, आई थिंक ये 35 रुपीज़ में या फिर 30 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगी। तो मैंने छोटी पैकेजिंग मंगाई है क्योंकि पहले छोटी देखते हैं किस तरह की है, और अगर अच्छी लगेगी और सूट की तो मैं डेफिनेटली बड़ी परचेज करूँगी। और नेक्स्ट मैंने मंगाए हैं ये कॉटन बॉल्स, आप देख सकते हैं इन पे तो बहुत ही अच्छा ऑफर था यार, पता नहीं ये 30 रुपीज़ में, पता नहीं 32 रुपीज़ में मिल गए हैं, कितने सारे कॉटन बॉल्स हैं। और इनकी तो ज़रूरत आपको पड़ती ही है, आप टोनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने मंगाया है एक ये प्लकर है, इसकी पैकेजिंग मैंने फेंक दी है क्योंकि मैंने इसको खोल के देख लिया था, तो वो मेरे पास अभी राइट नाउ नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैंने एक साथ नहीं मंगाई हैं, 2-3 बार में ये सब चीज़ें मैंने मंगाई हैं जब जब अवेलेबल होती रही, क्योंकि जो सेल थी वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए थी, आई थिंक 8-9 दिन के लिए तो थी, तो किसी दिन किसी चीज़ पे ऑफर आता है, किसी दिन किसी चीज़ पे ऑफर आता है, तो मैंने ये मंगाई थी किसी चीज़ के साथ में। और ये काफ़ी अच्छी है, इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है, आई थिंक ये 49 रुपीज़ में ही मुझे मिल गया था, काफ़ी अच्छा है। आपको अगर जो आपके यहाँ पे हेयर्स हो जाते हैं आपको खुद ही निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अगर आपको थ्रेडिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो आप प्लकर से उसको निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैंने मंगाए हैं वो है ये नायका के शीट मास्क, आप देख सकते हैं नायका के 10 शीट मास्क पहले से नायका पे अवेलेबल थे, लेकिन अब उन्होंने आई थिंक 10 या फिर 11 नए वेरियंट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, तो मैंने उसी में से कुछ परचेज किए हैं, उस पर ऑफर काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी 3-4 दिन से तो ऑफर था कि बाय टू गेट टू, आप 2 परचेज़ कीजिए, 2 आपको फ्री मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है ऐसा नहीं है कि आपने जो 2 परचेज़ किए हैं वही 2 आपको मिलेंगे, आप 4 अलग अलग वेरिएंट्स अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं और वही आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको पे सिर्फ 2 के लिए करना पड़ेगा। तो ये मैंने 4 के लिए मैंने पेमेंट किया है और मुझे 8 मिले हैं, तो मैंने सारे अलग अलग मंगवाए हैं। ये टी ट्री एंड एलोवेरा है, ये पहले से आता था, और जो पहले से आते हैं पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। और एक ही मैंने राइस एंड कैमेलिया मंगवाया है, ये भी पहले से आया हुआ था, बाकी इसमें एक जो ये रोज एंड गॉट मिल्क है ये भी पहले से आता था, इसका मैंने बहुत अच्छा रिव्यू देखा है, मतलब कि कुछ जो मैंने देखे हैं उन पर सबने इसकी बड़ी तारीफ की है, तो मैंने सोचा चलो इसको मंगा के देखते हैं किस तरह का है, वैसे भी रोज स्किन के लिए अच्छा होता है। और इसके अलावा जो मैंने ये 5 मंगवाए हैं ये सारे न्यू हैं, इसमें ये स्ट्रॉबेरी एंड ऑर्गन ऑयल वाला मंगवाया है मैंने, एक ये है ग्रीन टी और एलोवेरा है इसके अंदर, और ये लोटस फ्लावर और टाइगर लिली है, और नेक्स्ट है जिनसेंग और एप्रिकॉट, ये भी काफ़ी अच्छा होगा, और ये ग्रेपफ्रूट एंड कोलेजन, ये आप देख सकते हैं ये सारे शीट मास्क मैंने मंगवाए हैं। और नायका के शीट मास्क काफ़ी अच्छे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर इतना एक्स्ट्रा सीरम ये लोग देते हैं कि आप अपने मास्क को दोबारा भी डिप करके रख सकते हैं, फ्रिज पे रखिए उसको, आप दोबारा उसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस आपने लगा दिया, और क्योंकि वो इसके अंदर सीरम इतना ज़्यादा निकलता है कि आप उसको एक बार में पूरे फेस पे आप उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके मास्क के ऊपर भी सीरम होता है, आपने हैंड्स वगैरह पे लगा सकते हैं, तो आप उसको इस तरह से भी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी मेरी आज नायका की शॉपिंग जो मैंने नायका से की है, और इन सबकी प्राइसिंग तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देनी या फिर मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस तरह के ऑफर्स आते रहते हैं, आप तो वैसे भी कितने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सेल चलती रहेगी, तो आप देख सकते हैं जो भी आपको लेना है, जो चीज़ें मैंने रिव्यू के लिए मंगवाए हैं वो चीज़ मैं आपको रिव्यू डेफिनेटली करके दूंगी। और ये इसकी भी मैंने काफ़ी अच्छी सुनी है कि ये बहुत अच्छा है, तो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि किस तरह का है, एक्ने पे किस तरह से वर्क करता है, अगर अच्छा लगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली ट्राई करूँगी। और वैसे भी अब समर्स आ गए हैं, आप लोग पानी ज़्यादा पीजिए, उसके अलावा बिल्कुल भी ऑयली फूड वगैरह सब आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे कितनी गर्मी लग रही है, तो पिंपल्स खुद ही नहीं आएंगे यार, मैं तो खुद ही इतना ज़्यादा पानी पी रही हूँ तो पिंपल्स इतने नहीं आ रहे हैं, बट 1-2 हो जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है और तो कहीं पे नहीं है, तो वो चला गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको ट्राई करके देखूंगी कि ये जाता है और मार्क्स वगैरह हटाता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छी इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे सुने हैं। तो आज के लिए यही थी मेरी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।